आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूल एंड लॉ पे आप कैसे बहुत ही आसानी से एक 8-band ऐसे लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, रूल्स, लॉज, क्राइम, इस पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइल्स पार्ट 2 में। तो ऐसा ही एक ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम इसको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या कह रहा है कि सोसाइटी में रूल और लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है, जबकि अगर हम सोसाइटी में रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब लेट्स लुक एट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो ये एग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन है, तो हमें दोनों साइड्स हमारे को डिस्कस करनी पड़ेंगी, पर किसी एक साइड को हमें एग्री या डिसएग्री करना पड़ेगा, यानी अपनी ओपिनियन देनी पड़ेगी कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं दोनों में से। तो चलिए इसको पहले स्ट्रक्चर करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं, इस ऐसे को पहले स्ट्रक्चर करेंगे एंड समझेंगे कि हम इसमें लिखना क्या चाह रहे हैं। सपोज इस ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने इसको ऐसा लिया है कि रूल्स एंड लॉज होने चाहिए। हमारा व्यू पॉइंट है कि रूल्स एंड लॉज होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि रूल्स और लॉज नहीं होने चाहिए, वो ऐसा क्यों सोचते होंगे। मे बी वो सोचते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मे बी ये सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो सकता है उनकी सोच हो कि रूल्स और लॉज की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब हम आते हैं हमारे व्यू पॉइंट पे, जो हम बोलने वाले हैं। हम ये बोलने वाले हैं कि रूल्स और लॉज ज़रूरी हैं, और वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर रूल और लॉ नहीं होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग क्राइम ज़्यादा करें, जिससे कि सोसाइटी ढंग से फंक्शन ना कर पाए। तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया इस एसे के लिए। अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे और इसको स्ट्रक्चर करना शुरू करेंगे। 4 पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड फाइनली कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन करीब 50 वर्ड्स तक हम रखते हैं। ओवरऑल एसे की लेंथ रहनी है 250 वर्ड्स। इस तरह से स्ट्रक्चर करने पे टास्क अचीवमेंट पे हमें फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यही बात कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हों कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए, पर मैं उससे एग्री नहीं करता। आई डिसएग्री विद दिस एंड एग्री विद द पीपल हु से दैट रूल ऑफ लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ हमने पहले पैराग्राफ में लिख दी, इंट्रोडक्शन में हमने अपना जो व्यू पॉइंट था उसको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं सेकेंड बॉडी पैराग्राफ की तरफ। क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट ये है कि हम रूल ऑफ लॉ के फेवर में हैं, इसीलिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट लेंगे। कॉन्ट्रेरी मतलब जो हमारा व्यू पॉइंट है उससे उल्टा। हमारे से अलग व्यू पॉइंट ये था कि रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अब क्यों वो लोग सोचते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि कुछ लोगों को लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स खुद से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया कि जैसे कि कुछ छोटी कम्युनिटीज़ में ये देखा गया है कि वो बिना रूल्स के भी बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी साइट कर दिया इस चीज़ का। तो ये हुआ हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। अब हम देखते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट क्या होने वाला है, हम किस व्यू पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, वो बनेगा बॉडी पैराग्राफ 2। हमारा व्यू पॉइंट था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देखिए हमने इसमें यही लिखा है कि रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जैसे कई सालों से कुछ एक पनिशमेंट्स लाई गई हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज बने भी हुए हैं, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग क्राइम करते हैं। तो अगर हम बिल्कुल ही रूल्स को हटा देंगे फिर तो इस क्राइम का जो रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और इसी को हम अपना व्यू पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो इसको वही आप पॉज करके दोबारा एक बार देख सकते हैं। एंड फाइनली अब हम मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ, जहाँ पे हम रीआइट्रेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ एक छोटी कम्युनिटीज़ में हो सकता है रूल ऑफ लॉ जो है वो सेल्फ गवर्निंग हो, बट ज़्यादातर बड़े नेशंस में ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की। फाइनली हमने पर एक बात कही कि जो रूल्स हैं, जो पनिशमेंट्स हैं,
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, वो उतनी ही होनी चाहिए जो कि ह्यूमेन भी हों। इस चीज़ को हमने यहाँ पे रिइटरेट कर दिया। तो ये हो गया हमारा करीब 8 बैंड का ऐसे रूल ऑफ लॉ पे। आप इसको यहाँ पे पॉज करके अपनी तरफ से भी ऐसे लिख सकते हैं और नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं ताकि हमारे एक्सपर्ट्स उस पे आपको बैंड स्कोर दे सकें। कुछ वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो अब आप अपनी स्क्रीन पे वोकैबुलरी देख रहे हैं। चाहे तो आप इनको सिंपल वाले वर्ड्स को यूज़ कीजिए या जो कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं उनको यूज़ कीजिए ताकि आपको बेटर स्कोर मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और ये यूज़फुल लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियोस आइल्स के लिए देखना चाहते हैं तो द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैं आपको मिलूँगा अब एक और अगले वीडियो में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग।